नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम गले में होने वाली सबसे आम समस्या टॉन्सिलाइटिस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, नॉर्मली हमारे गले के पीछे वाले हिस्से में पैड जैसी स्ट्रक्चर होती है जो टिश्यूज से बनी हुई होती है, इन्हें हम टॉन्सिल कहते हैं और यह हमारे गले के दोनों तरफ होती है, मींस राइट साइड भी होती हैं और लेफ्ट साइड भी होती हैं। और किसी इन्फेक्शन के चलते यदि हमारे टॉन्सिल में सूजन आ जाती है या स्वेलिंग आ जाती है तो उसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम टॉन्सिलाइटिस के बारे में सब कुछ जानेंगे। ये हमें क्यों हो जाता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टॉन्सिल हमारे गले के दोनों साइड्स पे होते हैं और यह हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं। और मुंह के पीछे की तरफ होने के कारण मुंह में एंटर होने वाले जर्म्स वगैरह को ये कंट्रोल भी करते हैं और उनको रोकते हैं एंटर होने से। और इसमें एक चीज़ और होती है कि टॉन्सिल्स में WBC की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो यदि जर्म सेल एंटर भी कर जाते हैं तो वो उनको किल कर देते हैं। यदि अब मैं इनके कारणों की बात करूं तो मेनली टॉन्सिल का जो इन्फेक्शन होता है वो वायरस के कारण ही होता है, लेकिन कभी कभी बैक्टीरिया के कारण भी हमारे टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाता है। यहाँ पर अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। इसमें जो ये टॉन्सिल का जो इन्फेक्शन होता है या जो टॉन्सिलाइटिस होता है वो मेनली टीनेजर बच्चों में और चिल्ड्रन में, मींस 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों में ज़्यादा देखा गया है। और इसके सिम्टम्स की यदि मैं बात करूँ तो इसमें नंबर 1, पेशेंट के जो टॉन्सिल होते हैं यदि वो मुंह खोल के देखे जाते हैं तो बहुत रेड कलर की लुक दिखाई देता है और उसमें स्वेलिंग भी दिखाई देती है। नंबर 2 सिम्टम इसमें ये होता है कि ये स्वेलिंग आने के कारण पेशेंट को कुछ भी निगलने में, मतलब स्वेलो करने में तकलीफ होती है, चाहे वो सॉलिड आइटम्स हो चाहे वो पानी ही हो। और इसमें एक चीज़ और है कि पेशेंट को ना उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, आवाज़ धीमी हो जाती है, हॉसनेस ऑफ वॉइस भी हो सकती है और पेशेंट को सो थ्रोट की समस्या भी देखी गई है। और यदि इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस के साथ फीवर भी आने लगता है। इसमें कभी कभी टॉन्सिल में येलो और वाइट कलर के पैचेस भी दिखाई देते हैं और टॉन्सिल के साथ साथ जो दूसरे लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें भी इनलार्जमेंट आ जाती है। और इसमें पेशेंट को बैड ब्रीथ, मीन्स फाउल स्मेलिंग भी आ सकती है मुंह से। यदि इन सिम्टम्स को टाइमली ट्रीट कर लिया गया तो ठीक है, नहीं तो ये सिम्टम्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जैसे कि पेशेंट को रात को सोने में उसकी सांस रुकती है, स्लीप एपनिया की शिकायत हो जाती है, या फिर कभी कभी क्या होता है टॉन्सिल के आसपास भी इन्फेक्शन फैल जाता है और उसको वहाँ पस बन जाता है, तो वहाँ पर उसको पेरिटॉन्सिलर एब्सेस भी हो सकते हैं। यहाँ पर अब मैं इसके प्रिवेंशन की बात करूँ तो दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस मेनली वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है, इसलिए हमें हमारी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और यह इन्फेक्शन मेनली बच्चों को होता है तो हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि खाना खाने के पहले अच्छे से हाथों को वॉश करना है, टॉयलेट से आने के बाद भी हाथों को अच्छे से वॉश करना है, किसी भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद टूथब्रश को बदल देना चाहिए, कंटिन्यूटी तक बहुत टाइम तक एक ही टूथब्रश को यूज़ नहीं करना चाहिए। और फिर भी यदि टॉन्सिल हो गए हैं तो टॉन्सिल होने के बाद आपको गार्गल करना है, गुनगुने पानी से यदि आप सेना नमक डालकर उसमें गार्गल करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। आप गुनगुने पानी में सिरका डालकर भी गार्गल कर सकते हैं। इसके दिन में आप यदि 2 से 3 बार करते हैं तो टॉन्सिल की जो स्वेलिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पर अब मैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूँगी। दोस्तों, होम्योपैथी में टॉन्सिलाइटिस पे 3 मेडिसिंस बहुत अच्छा काम करती हैं। इसमें नंबर 1 पर है बेलाडोना। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट के टॉन्सिल में बहुत ज़्यादा सूजन होती है और वह सूजन के कारण लाल हो जाते हैं। पेशेंट को थूक निगलने में भी दिक्कत जाती है और उसका गला कसा कसा सा फील होता है, उसको कंस्ट्रिक्शन फील होता है और पेशेंट को गले में दर्द भी बना हुआ होता है और उसको थूक निगलने में बहुत ज़्यादा
परेशानी होती है, और जब यह इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो पेशेंट को फीवर भी आ सकता है, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। इस कड़ी में दूसरी मेडिसिन है ब्राइटा का। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब कुछ ठंडा या खट्टा खाने के बाद पेशेंट को टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है और उसको वहाँ बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, थूक निकलने में दिक्कत जाती है, उसको ऐसा प्लग लाइक सेंसेशन फील होता है अपने थ्रोट में, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। इसमें पेशेंट थूक तो फिर भी निकल लेता है, लिक्विड तो फिर भी निकल लेता है, लेकिन सॉलिड आइटम बिल्कुल भी नहीं खा पाता है। इस कड़ी में तीसरी मेडिसिन है कैल्केरिया का। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसको टॉन्सिल की सूजन के अलावा शरीर के दूसरी ग्लैंड्स, जैसे कान के पीछे वाली ग्लैंड या दूसरी ग्लैंड्स में भी सूजन आने लगती है, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। इसमें पेशेंट को पूरे गले में दर्द महसूस होता है और उसको थूक निकलने में भी दिक्कत जाती है और उसको कान के पीछे भी पेन महसूस होता है, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छे रिजल्ट देती है दोस्तों। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके टॉन्सिलाइटिस की समस्या को हील करने में हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल। थैंक यू।